डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, क्लास 12th के लिए जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे एंटासिड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एनाल्जेसिक के बारे में। ठीक है, क्या होता है एनाल्जेसिक? तो सबसे पहले टॉपिक्स बनाएंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, इसके पहले हम लोग एंटासिड के बारे में पढ़े थे कि क्या होता है एंटासिड, अब एंटासिड का काम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक को हम लोग दर्द निवारक दवा भी कहते हैं, दर्द निवारक दवा। ठीक है, यानी कि दर्द को ठीक करने वाला दवा, इसको हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। अब एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा जाए, वे रासायनिक यौगिक, जो जो दर्द से आराम दिलाते हैं, जो दर्द से आराम दिलाते हैं, दर्द से आराम दिलाते हैं, एनाल्जेसिक कहलाते हैं, एनाल्जेसिक कहलाते हैं, एनाल्जेसिक कहलाते हैं। तो जी बिल्कुल, आप इस बात का बिल्कुल आप समझ जाइए कि दर्द निवारक दवा ही होता है एनाल्जेसिक, यानी वैसी कोई दवा, ऐसी कोई रासायनिक यौगिक जो आपको कोई सा भी दर्द, चाहे माथा दर्द हो, पेट दर्द हो, पूरे शरीर बदन का दर्द हो, अगर उससे आराम दिलाते हैं तब आप उसको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक दवा। ठीक है, चाहे आपका माथा दर्द कर रहा हो, कोई दवा खाया, उसको आप कह दो कि एनाल्जेसिक है, क्योंकि एनाल्जेसिक का काम ही है क्या, दर्द से आराम दिलाना। अब ऐसा कौन कौन सा दवा है जो दर्द में आराम दिलाता है, तो जैसे में करके लिखेंगे, जैसे जैसे एस्प्रिन, जैसे एस्प्रिन। भाई ये क्या है, दवा का नाम हम लोग लिख रहे हैं एस्प्रिन कॉमा नोवोकेन, नोवोकेन कॉमा मॉर्फीन, मॉर्फीन कॉमा कोडीन, कोडीन। ये सभी क्या हैं, सभी दर्द की दवाएं हैं, लेकिन अब अलग-अलग दर्द के लिए अलग-अलग दवा यूज करते हैं। तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे सर दर्द दूर करने के लिए एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। देख लो, जैसे मैं लिखे हैं एनाल्जेसिक का एस्प्रिन, नोवोकेन, मॉर्फिन, कोडिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, चूंकि जो जैसे मैं लिखे हैं एस्प्रिन, नोवोकेन, मॉर्फिन, कोडिन, ये सभी एनाल्जेसिक के अंतर्गत आते हैं, और ये एनाल्जेसिक के अंतर्गत जो आने वाले दवाएं हैं ये सभी दर्द निवारक हैं, दर्द से आराम दिलाने वाले हैं। और ये जो दवाएं हैं जिसको एनाल्जेसिक कहते हैं, तो इसमें सब अलग अलग दर्द के लिए, जैसे अभी हम लोग एरो देकर क्या लिखे कि सर दर्द के लिए क्या लीजिएगा आप, एस्प्रिन। उसी तरीके से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे दांत दर्द दूर, दांत दर्द करने के लिए, दांत दर्द को दूर करने के लिए याद रखिए नोवोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी जैसे कि आप सर दर्द, सब दर्द का ही दवा है, लेकिन एस्प्रिन यूज करते हैं सर दर्द में, नोवोकेन करते हैं दांत दर्द में। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, अत्यधिक तेज दर्द को दूर करने के लिए, अत्यधिक तेज दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन तथा कोडीन लिया जाता है। अत्यधिक तेज दर्द को दूर करने के लिए मोरफिन या कोडीन लिया जाता है। देखिए, अब ये मोरफिन है और ये कोडीन है,
मोरफिन और कोडीन को कब इस्तेमाल करना है? जब अत्यधिक तेज दर्द रहेगा, ठीक है? तो अत्यधिक तेज दर्द के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मोरफिन और कोडीन का। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। फिर लिखेंगे नेक्स्ट आरो, एनाल्जेसिक जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके नेक्स्ट आरो में लिखेंगे एनाल्जेसिक के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं एनाल्जेसिक के? दो प्रकार। एक का नाम है निद्राकारी, एक का नाम है निद्राकारी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नरकोटिक, और एक का नाम है अनिद्राकारी, अनिद्राकारी, इसको बोलते हैं एंटी नरकोटिक, एंटी नरकोटिक। तो याद रखिएगा कि एनाल्जेसिक कितने प्रकार के होते हैं? तो एनाल्जेसिक दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है निद्राकारी यानी कि नार्कोटिक, और दूसरा का नाम है अनिद्राकारी यानी कि एंटी नार्कोटिक, ठीक है? चलिए अब हम लोग नार्कोटिक और एंटी नार्कोटिक को डीपली पढ़ते हैं, यानी कि अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे किसको? अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे निद्राकारी को। तो अब टॉपिक बनाइए निद्रा कारी, ये टॉपिक बनाएंगे। उसके नीचे एफ फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वे रासायनिक यौगिक, वे रासायनिक यौगिक जो निद्रा या बेहोशी उत्पन्न करते हैं, निद्रा या बेहोशी उत्पन्न करते हैं, उन्हें उन्हें निद्राकारी कहते हैं, उन्हें निद्राकारी कहते हैं, उन्हें निद्राकारी कहते हैं। चलिए फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, नेक्स्ट एरो में लेकर लिखेंगे अधिकतर निद्राकारी दवाइयाँ, अधिकतर निद्राकारी दवाइयाँ अफीम का व्युत्पन्न होता है, अफीम का व्युत्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है। चलिए निद्राकारी का मतलब क्या होता है? ऐसा दवा, ऐसा रासायनिक यौगिक जिसको खाने से आप बेहोश हो सकते हैं, आपको नींद आ सकता है, आप बिल्कुल निद्रा की स्थिति में आ जाएंगे। निद्रा का मतलब नींद आने वाली, ठीक है? तो हम उसको कहते हैं निद्राकारी दवा। और ये निद्राकारी जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसमें अफीम मिलाया जाता है। आप समझ रहे हैं कि अफीम कितना जहरीली है, कितना बेहोशी छाने वाली दवा है। अधिकतर आप सुने होंगे कि ट्रेन में चोरी उरी हो जाता है, तो कुछ ऐसा रासायनिक यौगिक है जो जो किसी व्यक्ति को सूंघा दिया, सुगंध कर दिया जाए, सुगंध सूंघा दिया जाए, वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसको कोई होश नहीं रह जाता है, वो निद्रा की स्थिति में आ जाता है और उसका सामान जो है लोग तुरंत गायब कर देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि ऐसी दवाइयाँ, निद्राकारी दवाइयाँ जो जिसको खाने से तुरंत निद्रा की स्थिति आ जाती है, तुरंत बेहोशी छा जाती है, तब हम उसको कहते हैं नार्कोटिक यानी कि निद्राकारी। और निद्राकारी दवाइयाँ जो हैं किसका व्युत्पन्न होती है? तो अफीम का, यानी कि अफीम का कुछ अंश जो है दवा में मिलाया जाता है, इसके वजह से हमें बेहोशी छा जाती है, ठीक है? चलिए उसके नीचे एरो देंगे, नेक्स्ट एरो में लिखा जाए हेरोइन, हेरोइन हेरोइन कॉमा मॉर्फिन, मॉर्फिन मॉर्फिन तथा तथा कोडीन, कोडीन निद्राकारी दवाइयां हैं, निद्राकारी इस निद्राकारी दवाइयां हैं। ये अत्यधिक तेज दर्द निवारक भी है,
ये लिखिएगा, ये अत्यधिक तेज दर्द निवारक भी है, अतः अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति इसके आदि भी हो सकते हैं, आदि भी हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हम बोले कि निद्राकारी दवाइयों में अफीम का व्युत्पन्न होता है, जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब जितनी भी दवाइयां हैं ना, ये सब निद्राकारी दवाइयां हैं, यानी कि नींद लाने वाली दवाइयां हैं। ठीक है, अक्सर आप मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे मान ले किसी व्यक्ति को रात भर ऐसा ऐसा कभी कभी होता है कि रात में उसको नींद ही नहीं आता है, यानी दिन में भी नहीं सोता है और न रात को भी नींद नहीं आता है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई हमको नींद लाने वाली ऐसी कोई दवा मिल जाती है, आराम से खा लेते, नींद पड़ जाता। तो जी हाँ, ऐसी दवा तो है जिसका नाम है हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन। ये सब कैसी दवा हैं? निद्राकारी, यानी कि नींद लाने वाली दवाइयाँ हैं। लेकिन ये नींद लाने वाली जो दवाइयाँ हैं, इसी का प्रयोग हम लोग तेज दर्द में भी कर सकते हैं, ध्यान दो। यानी कि इस दवा का इस्तेमाल से हम लोग दो फायदा उठा सकते हैं, एक तो नींद ला सकता है और ज़्यादा दर्द है तो भी ये ठीक कर सकता है। लेकिन इसको खाने से व्यक्ति क्या हो सकता है, आदत पड़ सकता है, इसीलिए लिखे हैं कि इसके आदि भी हो सकते हैं। आदि भी हो सकते हैं का मतलब क्या, कोई व्यक्ति जैसे मान लिया कि थकान महसूस हुआ, अब उसको प्रैक्टिस हो गया कि मॉर्फिन खाते हैं ना टैबलेट, बहुत एकदम रिलैक्स देता है, एकदम रात में बहुत बढ़िया से नींद पड़ता है, कोई फिक्र नहीं रहता है, तो अब वो क्या पड़ेगा, उसको आदत पड़ गया, कहीं से भी थोड़ा सा भी दर्द हुआ ना तो सोचेगा कि मॉर्फिन खाएं, कोडीन खाएं, ताकि उसको आराम देता है। तो दोस्त, इसके आदि, आदि का मतलब होता है उसका एकदम आदत पड़ जाना। अगर किसी भी चीज़ का अगर अति होता है तो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर जितना चाहिए आपको उससे अगर ज़्यादा आप हंसते हैं, ज़्यादा रोते हैं, ज़्यादा कुछ भी करते हैं, वो आपको सेहत के लिए हानिकारक है। तो सेम वही है, आदि होने से व्यक्ति को उल्टा फिर सहना पड़ता है और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये थे दोस्त निद्राकारी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अनिद्राकारी। तो अब लिखा जाए टॉपिक अनिद्राकारी। अब इस टॉपिक को करेंगे दोस्त अगले दिन। तो आज क्लास में हम लोग निद्राकारी के बारे में अच्छे से पढ़ें और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अनिद्राकारी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।